अभिनेत्री जिसने हिंदी फिल्म की हीरोइन का रूप बदल के रख दिया। 70 और 80 के दशक में वो काम कर दिखाया जो आगे जाकर बहुत सी हीरोइंस का रास्ता बना। नाम जीनत अमान। बाबा क्या पहचाना आपने। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर सन 1951 मुंबई में हुआ। इनका बचपन भी मुंबई शहर में ही बीता। इनके वालिद अमानुल्लाह खान और माँ स्किंदा। में जीनत अमान ने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब भी जीता था, पर जिस तरह का इनका बचपन रहा उससे ये अंदाजा लगाना कठिन था कि ये आगे जाकर फिल्मों में इतना बड़ा नाम कमाएंगी। इनके वालिद अमानुल्लाह खान साहब खुद एक बड़े जबरदस्त राइटर थे। फिल्म मुगले आजम और पाकिजा के लिए इन्होंने डायलॉग्स लिखे थे। इनके छुटपन में ही इनके माता पिता अलग हो गए। इनकी माँ स्किंदा ने एक जर्मन आदमी से शादी की जिनका नाम रहा मिस्टर हाइंस। जीनत अमान मशहूर मारूफ अभिनेता रजा मुराद की कजन है। जीनत अमान की पढ़ाई लिखाई पंचगणी में हुई, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस चली गईं। 18 बरस की उम्र में जब ये लौटकर हिंदुस्तान आईं, तब इन्होंने एक फैशन मैगजीन से नाता जोड़ा और उसके बाद मॉडलिंग शुरू की। ओपी रहलन साहब जो कि इनके वालिद अमानुल्लाह खान को जानते थे, उन्होंने जीनत अमान को फिल्म हलचल में ब्रेक दिया, पर वो फिल्म ज्यादा चली नहीं और जीनत अमान ने मन बना लिया था कि अब ये वापस जर्मनी चली जाएंगी। जब इनकी माँ ने एक जर्मन आदमी से शादी की और जर्मन सिटीजनशिप भी ले ली, तब जीनत अमान अपनी माँ के साथ ही रहीं। वो किरदार जिसने जीनत अमान की जिंदगी बदल के रख दी, वो इनसे अभी काफी दूर था। देवानंद साहब फिल्म बनाना चाहते थे हरे राम हरे कृष्ण। बात तो ठीक है। इस फिल्म में इन्होंने जाहिदा से कहा था कि वो देव साहब की बहन का किरदार निभाएं। जाहिदा मेन हीरोइन का किरदार निभाना चाहती थी, लिहाजा मना कर दिया। उसके बाद तनुजा जी से कहा गया था कि वो जसबीर यानी जेनिस का किरदार निभाएं फिल्म हरे राम हरे कृष्ण में। तनुजा जी ने भी कहा कि वो देवानंद साहब की बहन का किरदार नहीं निभाएंगी। और तब ये किरदार इत्तफाकन पहुंचा जीनत अमान की झोली में और इतिहास रच दिया गया। इस फिल्म के लिए इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया और फिर देवानंद साहब के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी, चाहे वो फिल्म वारंट रही, इश्क 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 रही या फिर हीरा पन्ना। बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ इन्होंने फिर काम किया, चाहे वो मनोज कुमार रहे, नासिर हुसैन या फिर प्रकाश मेहरा। बड़े बड़े सुपरस्टार्स की यह जबरदस्त हीरोइन बनी, चाहे वो कुर्बानी के विनोद खन्ना रहे या फिर लावारिस के अमिताभ बच्चन। इस बीच एक ऐसा किरदार जीनत अमान की जिंदगी में आया जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सीज और विवादों में भी फंसी, पर एक बहुत बड़े डायरेक्टर का सपना इन्होंने सच कर दिखाया। आपकी जो कहानी सुनाना चाहता हूँ बहुत ही उम्दा है, तबीयत खुश हो जाएगी सुनके आपकी। राज कपूर साहब फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के किरदार रूपा के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे और एक दिन जीनत अमान ने वो रूप बनाया जैसा कि राज कपूर साहब चाहते थे और ठीक वैसे ही ये पहुंची राज कपूर साहब के पास। राज साहब ने इन्हें देखा और कहा कि ये क्या। तो जीनत अमान ने कहा कि मुझे लगा कि आपकी रूपा ऐसी ही दिखती होगी। राज साहब इतने खुश हुए कि इन्हें साइनिंग अमाउंट में सोने की गन्निया दी गई और फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए साइन कर लिया गया। इस फिल्म में इन्होंने बड़े बोल्ड सीन्स दिए जिसकी वजह से काफी विवाद भी हुए। चाहे राजेश खन्ना रहे कि अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना रहे कि धर्मेंद्र, देवानंद रहे कि राज कपूर, जीनत अमान हर हीरो के साथ खूब जमी। और इन्होंने जो अपनी खास इमेज बनाई उसने आने वाली हीरोइंस के लिए भी नया रास्ता बनाया। वो बोल्डनेस जीनत अमान लेकर आई जिसने हिंदी फिल्म की हीरोइन को पूरी तरह से बदल दिया था। 80 के दशक में भी इन्होंने बड़ी अलग फिल्मों में काम किया, इंसाफ का तराजू और कुर्बानी को कोई नहीं भूल सकता। और 80 के दशक में ही इन्होंने शादी भी कर ली अभिनेता मजहर खान से। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, आजान और जहान। इनके शौहर मजहर खान सन 1998 में किडनी फेल हो जाने की वजह से ये दुनिया छोड़ चले गए। जीनत अमान का जीवन अजब उथल पुथल से भी भरा रहा, जज्बाती मोड़ों से भी और ग्लैमर से भी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में जीनत अमान का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। लैला ओ लैला लैला ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे
मिलना अकेला।